You're watching Exposed India. मामला बांदा जनपद के खुरहंड गांव का है। बांदा से रोडवेज बस अतरा की तरफ जा रही थी, तभी तेज रफ्तार से आती बाइक को बचाने के चक्कर में रोडवेज बस खाई में गिर गई। बस खाई में गिरने की वजह से बस में सवार सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अभी घायलों को आनन फानन में अतरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। 5 घायलों की हालत खराब होने पर डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर भेज दिया। मैं बांदा से जा रही थी, करबी रोड का फ्रंट जा रही थी। किस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था? ये अतर ये हुआ अखुरांड की माझा पीछे भी। कैसे हुआ ना? अभी ये यहाँ से जा रही थी, बस बांदा से जा रही थी सीधा अतर्रा रोड का, यहाँ से गई, वहाँ से अतर्रा करने से मोटरसाइकिल आई। अब फिर उससे बाद ड्राइवर था तो मोड़ा मोटरसाइकिल, बस को तो मोटरसाइकिल बचाने के चक्कर में उनने मोड़ा और ड्राइवर कूद गया, बस से कूद गया चलत बस से, बस भी नहीं बंद किया। सुबह बस घूम गए, बस पानी में पलट गई है, बस वहीं सब घायल हो गए। कितने लोग बस में भरे रहे हो? बस तो पूरी बस थी हरी। बरातीलाल कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हो गया? बांदा से तर्रा जा रहे थे, तर्रा घर जा रहा हूँ। तो क्या हुआ है रास्ते में? बस पलट गई। किस तरह से पलटी है? एकदम से यहाँ से जा रहा था, पता नहीं कैसे काट दिया तो सीधे काट पलटा दिया। कितने लोग थे बस में? 30-35 आदमी था। तो कितने में घायल हैं? क्या मालूम बाबू जी, मैं अपने में परेशान हूँ। मैं क्या थी? बस कौन सी थी? रोड में थी। तो क्या सामने से कुछ आ रहा था या गड्ढा पड़ गया था? मोटरसाइकिल वाला था, मोटरसाइकिल बचाने के चक्कर में काट दिया। बस एक्सीडेंट हुई, घायल ट्रॉमा सेंटर में 4 मरीज भर्ती हुए हैं, बरातीलाल, हितेश जी, बद्रू और सुनीता। एक पेशेंट ब्रॉडेड आया हुआ था, वो क्वेश्चन में रखा था। 6-7 मरीज लोअर PSC पर ट्रीटमेंट चल रहा हुआ है, जो माइनर इंजरीज के थे वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, स्थिति उनकी सामान्य है। और कुछ पेशेंट अठारह मान लिया गया है, वो भी ज़्यादा गंभीर हालत में नहीं है। ये 4 मरीज थोड़े सीरियस पेशेंट थे जो इलाज चल रहा। क्या कानपुर रेफर कर जाता है? अभी तो इलाज चल रहा है, लेकिन उनको जरूरत पड़ेगी तो कानपुर भी एक रेफर कर सकते हैं।